स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलने वाले संगठन राष्ट्रीय सेवा योजना के जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान इकाई ने 7 दिन का शिविर कोरबा जिले के बुंदेली गांव में लगाया। जन शिक्षण केंद्र परिसर को इसके लिए चुना गया। शिविर में शिक्षा, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, एकात्म सहित कई विषयों पर संवाद गोष्ठी और जागरूकता कार्यक्रम होंगे। शिविर में शामिल शिक्षार्थियों ने बैनर पोस्टर के साथ गाँव में रैली निकाली और जन जागरण किया। जिनका ये कैंप है जिसमें दोनों तरह के लोग हैं, मतलब दो इकाई है, मतलब महिलाओं के लिए भी है और पुरुषों के लिए भी। आज 6ठा दिन है, कल इसका समापन है। यहाँ 2-3 तरह की गतिविधियाँ होती हैं कि एक तो ये सर्वे भी करते हैं और बौद्धिक चर्चाएँ भी होती है। बौद्धिक चर्चाएँ में अलग अलग लोगों को जो विषयों के बड़े अच्छे जानकार होते हैं और ज्ञानी होते हैं या सज्जन होते हैं, ऐसे लोगों को बुलाया जाता है, बच्चों से परिचय कराया जाता है। उठकर इनका योगाभ्यास, उसके बाद सुबह प्रभात फेरी में ये जाते थे रैली में। रैली से आने के बाद जो है ये अपना नहाना, नाश्ता करना और उसके बाद ये लोग सर्वेक्षण के लिए चले जाते हैं। सर्वेक्षण से आने के पश्चात 1 बजे तक यहाँ एक जो ग्रुप था वो मैंने रसोई को संभाले हुए था, जो खाना वाना तैयार करता था, और 1-1.5 बजे वो लोग सर्वेक्षण से आने के बाद हाथ मुँह धो के भोजन करते थे, और भोजन करने के पश्चात ये लोग पुनः सांस्कृतिक कार्यक्रम और दूसरे कार्यों की ओर मैंने गाँव में निहित जा के जो है लोगों के साथ सहयोगपूर्वक अपना कार्य निष्पादन। राष्ट्रीय सेवा योजना मतलब राष्ट्र के प्रति सेवा भावना। हम राष्ट्र के प्रति सेवा भावना रख सकते हैं, जैसे कि हमें यह जानना है कि हमें किसी को दिखाकर देश की सेवा नहीं करना है। हमारे मन में सेवा भावना होनी चाहिए, तभी हम देश का विकास कर सकते हैं, तभी हमारी देश विकसित हो सकता है। सर जी, सर ये 7 दिवसीय NSS कैंप लगा हुआ है बुंदेली ग्राम में, जो 18 से 24 के बीच में लगा हुआ है सर। तो इस NSS का अर्थ होता है नेशनल सर्विस स्कीम, अर्थात राष्ट्रीय सेवा योजना, जो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है सर। तो इस NSS कैंप के माध्यम से हम लोग गांव में शिष्टाचार, नवाचार और स्वच्छता के बारे में सर शिक्षा दिया जा रहा है हमें।